हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माय लवली लायर। एपिसोड की स्टार्टिंग 2018 से होती है। हम कुछ गैंगस्टर को देखते हैं जिन्होंने 3 लोगों को बांधा हुआ था और इन गैंगस्टर के साथ इनका बॉस भी होता है जिसका नाम डोमक होता है। वो इन तीनों से पूछते हैं कि हमारे गैंग की इन्फॉर्मेशन को लीक किसने किया। ये तीनों कहते हैं कि हमने नहीं किया। तभी नीचे एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। ये लड़की इन लोगों के पास आती है और ये लड़की इस ड्रामा की मेन लीड हीरोइन होती है। इसका नाम सोल ही होता है। डोमक उसे पूछता है क्या तुम ही लायर हंटर हो। सोली हाँ कहती है। फिर डोमक अपने चेयरमैन को कॉल करता है और कहता है कि लायर हंटर यहाँ पहुँच गई है। उसके बाद सोली उन लोगों के पास जाती है जिन्हें बांधा हुआ था। सोली के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी के भी झूठ को एकदम से पकड़ लेती है। सोली उनसे पूछती है कि क्या तुमने गैंग की इंफॉर्मेशन को लीक किया। ये तीनों मना करते हैं। सोली को पता चलता है कि ये सच बोल रहे हैं। वहाँ पर एक गैंगस्टर खड़ा हुआ था जो कि लंगड़ा था। इसकी टांग टूटी हुई थी। वो डोमक से कहता है कि ये तो बच्ची है, तुम इसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हो। सोली उस गैंगस्टर से कहती है कि कहीं तुमने गैंग की इंफॉर्मेशन को लीक तो नहीं किया। ये गैंगस्टर कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैंने तो डोमक के लिए अपनी टांग भी तोड़वा ली। सोली कहती है कि ठीक है, फिर जवाब दो, तुमने गैंग की इंफॉर्मेशन को लीक किया है या नहीं। गैंगस्टर कहता है कि नहीं, पर यहाँ सोली को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और बाद में सोली ये बात डोमक से बता देती है और तब ये पता चलता है कि उसकी टांग टूटी हुई नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रहा था। डोमक सोली को उसके काम के पैसे देता है। फिर सोली यहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही थी तो वो रास्ते में एक लड़के को देखती है। उस लड़के के हाथ में एक शर्ट होती है और वो शर्ट खून से लथपथ थी। अगली सुबह सोली अपने फ्लैट से बाहर आती है तभी उसके सामने वही गैंगस्टर आ जाता है जो कि टांग टूटने का नाटक कर रहा था। वो सोली से कहते कि मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा और वो सोली का पीछा करता है। सोली भागते हुए एक बस में आ जाती है और उस बस में जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम एमहो होता है और वो एक लड़के को मारने लगता है। ये लड़का इस ड्रामा का मेन लीड हीरो है और इसका नाम है दोहा। एमहो से कहते कि तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है और अब वो लापता है। दोहा कहते कि मैंने तो बस उससे ब्रेकअप किया है। सोली देखते है कि वो गैंगस्टर बस की तरफ आ रहा था। सोली एमहो से कहते कि हम लेट हो रहे हैं, तुम जल्दी बस से नीचे उतरो। एमहो दोहा से कहते कि क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। सोली कहती है कि हाँ। फिर सोली उसे बस से नीचे उतार देती है और बस वहाँ से चल पड़ती है। सोली दोहा से कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें खुद का बचाव करना चाहिए। सोली कहती है कि लगता है तुमने सच में उसे धोखा दिया है। दोहा कहते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। सोली उसे अपना लायर हंटर का कार्ड दिखाती है। दोहा उसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल बाद यानी 2023 दिखाया जाता है जहाँ हम सोली को देखते हैं। उसके साथ उसका ड्राइवर भी होता है जो कि उसका बॉडीगार्ड भी था और इसका नाम चीहुन होता है। सोली अपनी एक कस्टमर के पास आई हुई थी जिसका नाम जिन्हाय होता है। जिन्हाय का एक नया बॉयफ्रेंड था। उसने सोली को इसलिए बुलाया था ताकि वो ये पता लगा सके कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सच में प्यार करता भी है या नहीं। फिर सोली उसके बॉयफ्रेंड से कुछ क्वेश्चन पूछती है। वो सारे आंसर सही देता है लेकिन जब यहाँ जिन्हाय की नौकरानी आती है तो जिन्हाय अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन अपनी नौकरानी से करवाती है और वो कहती है कि तुम इसे जान लो क्योंकि अब तुम यहाँ बार बार आओगे। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन सोली उसका झूठ पकड़ लेती और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इससे पहले भी इससे मिल चुके हो। ये सुनते ही नौकरानी घबरा जाती है और उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर जाता है। तब जिन्हाय का बॉयफ्रेंड भाग कर उसके पास जाता है। सोली को पता चल जाता है कि नौकरानी प्रेग्नेंट है। सोली जिन्हाय के बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन जिन्हाय का बॉयफ्रेंड उसे मना कर देता है। उसके बाद सोली अपने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सोली और चीहुन को देखते हैं जो दोनों गाड़ी से जा रहे थे। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें हम सोली की मॉम को देखते हैं। वो बहुत ही गरीब परिवार से थी इसलिए वह हर टेम्पल में जाकर अनुष्ठान में भाग लेती थी और भगवान से प्रे करती थी कि मेरा बच्चा जो कि होने वाला है उसे कुछ ऐसी एबिलिटी दो कि उसे भूखा ना मरना पड़े। फिर हम देखते जब सोली का जन्म हुआ था और वो थोड़ी बड़ी हो जाती है उसमें तभी से ये एबिलिटी आ गई थी। वो सभी का झूठ पकड़ लेती थी। फिर सोली ने अपनी एबिलिटी को काम बना लिया कि वो लोगों की झूठ को पकड़ेगी और उनसे पैसे लेगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है।
जी हूँ। सोलही से कहते कि आज म्यूजिक अवार्ड शो होने वाला है, क्या तुम वहाँ चलोगी? मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर दोहा आने वाला है। सोली कहती है कि दोहा तो वही है ना जो एक सिंपल सा सिंगर है। चिहून कहते हैं कि नहीं, वो सिंगर नहीं है, वो एक सॉन्ग राइटर है और साथ ही प्रोड्यूसर भी, और वो श्यान के साथ काम करता है। श्यान एक सिंगर होती है। नेक्स्ट सीन में हम दोहा को देखते हैं, उसे श्यान की कॉल आती है लेकिन दोहा उसकी कॉल पिक नहीं करता। फिर से शिफ्ट होते हैं म्यूजिक शो में जहाँ श्यान डांस कर रही थी। उसके बाद बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड दोहा को मिलता है। हालांकि दोहा यहाँ नहीं था इसलिए श्यान उसकी जगह अवार्ड लेने जाती है। वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमें दोहा को देखना है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि यह तो बहुत मुश्किल है, दोहा किसी से भी नहीं मिलता, पर श्यान को उसके बारे में ज़रूर पता होगा। वो श्यान से पूछते हैं कि क्या तुम हमें दोहा से मिलवा सकती हो। श्यान कहती है कि मैं खुद भी कभी दोहा से नहीं मिली, हमें जब भी काम होता है तो हम सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब श्यान बाहर आती है तो उसके हाथ में 2 ट्रॉफीज थी। पास ही एक कार में मीडिया वाले बैठे हुए थे। वो 2 ट्रॉफीज देखकर सोचते हैं कि श्यान के पास 2 ट्रॉफी कैसे। तब उन्हें पता चलता है कि 1 ट्रॉफी दोहा की है, ये शायद दोहा के पास जा रही है, चलो इसका पीछा करते हैं। नेक्स्ट सीन में श्यान दोहा के पास आती है और वो उसकी ट्रॉफी उसे दे देती है। वो दोहा से कहती है कि पिछले दिनों हम कैसे साथ में रहा करते थे। वो दोहा से कहती है कि आज रात मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, पर दोहा उसे मना कर देता है। फिर श्यान वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर से हम दोहा को देखते हैं जिसने एंजाइटी की गोलियां ली हुई थी, और वह एक सीन को याद करता है जहां एक लड़की समुद्र के किनारे दोहा से मिल रही थी। दोहा के हाथ में कांच का टुकड़ा था और ये लड़की दोहा से गले मिल रही थी, और बाद में दोहा अपने हाथों को देखते हैं, उसके हाथ में खून लगा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम सोलही को देखते हैं, उसका एक कैफे होता है, वहाँ पर एक कस्टमर आई हुई थी, फिर वो सोलही से मिलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोहा को देखते हैं जो वापस अपने घर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले थे। तभी दोहा को द्योगचांद का मैसेज आता है कि तुम अभी घर मत आओ। दोहा द्योगचांद को अपना बड़ा भाई मानता था, पर दोहा उसके मैसेज को इग्नोर करके गाड़ी से बाहर आ जाता है। वहाँ पर मीडिया वाले दोहा की कुछ फोटोज ले लेते हैं। दोहा भागते हुए घर के अंदर जाता है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, दोहा को पुलिस ने पकड़ा हुआ था। वो लोग उसे कह रहे थे कि ये तो मरने के लायक है क्योंकि उन्हें लगता है कि दोहा ने किसी को मार दिया है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। द्योगचांद दोहा से कहते हैं कि योनसियो दोंग में मेरा एक घर है, जब तक ये सभी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तुम वहाँ पर चले जाओ। मुझे पता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसके बाद दोहा वहाँ जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोलही को एक स्टोर के अंदर देखते हैं। सोलही यहाँ पर एक आदमी को देखती है जिसने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी और मास्क लगाया हुआ था। सोलही स्टोर के अंदर देखती है कि इस आदमी की फोटो यहाँ लगी हुई है और ये वांटेड बताया गया है क्योंकि ये यौन शोषण करता है। सोलही अपनी पेमेंट करके जल्द ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोलही सभी शॉपकीपर के साथ मीटिंग के लिए पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि सोलही के कैफे में काम करती है। जब वो कैफे से आ रही थी तो वहाँ पर वही ब्लैक मास्क वाला आदमी आ जाता है। ये मास्कमैन कैसेंड्रा को पकड़ने ही वाला था, लेकिन कैसेंड्रा किसी तरह उससे बच के वहाँ से भाग जाती है और वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ मीटिंग में बैठे सभी लोग सुन लेते हैं और वो भागते हुए बाहर आते हैं। वो कैसेंड्रा से पूछते हैं कि क्या हुआ। कैसेंड्रा कहती है कि वो मास्कमैन अभी यहीं पर था और वो उस डायरेक्शन में भाग गया है। उस डायरेक्शन में जाने पर उन लोगों को एक लड़का दिखाई देता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। ये लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लड़का तो दोहा था। दोहा कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो लोग दोहा का मास्क उतारने वाले थे, पर सोलही उन्हें रोकती है और कहती है कि ये सच बोल रहा है, ये वो नहीं है। ये सुनने के बाद दोहा को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं उस दिन बस में मिला था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हुआ। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।